मेरे बेटे कहते हैं अम्मी महदूद कर लें इनको, तो मैं कहती हूँ ये तो ऐसा ही है जैसे अपने बच्चे हों और अपने बच्चे तकसीम कर दिए जाएं, तो मैं इस तरह नहीं दे सकती। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, जब तो मैंने सोचा नहीं, जाहिर सी बात है बच्चे संभालने में इनको पालने में टाइम लगता है। उसके बाद जब ये माशाल्लाह बड़े हो गए तो फिर मेरा कैद की तरफ दोबारा से रुझान हुआ। अडॉप्शन पे लगे हुए देखती हूँ ना तो मैं ले लेती हूँ कि पता नहीं कैसी जगह जाए, कैसे हाथों में जाए, तो मैं ले लेती हूँ और इनका ख्याल रखती हूँ, इनका इलाज करवाती हूँ, इनके खाने पीने का ख्याल करती हूँ। और एक ये कि मैं इनको वैक्सीनेशन भी करवाती हूँ, और आजकल वैक्सीनेशन बहुत महंगी हो गई है, लेकिन मैं पैसे नहीं देखती, मैं सिर्फ इनकी जान बचाने की सोचती हूँ। मेरे पास बिल्ला था तो जिसके गले पे एक गिल्टी निकली हुई थी, और उसके बाद वो फट गई, लेकिन वो मालूम नहीं था, डॉक्टर ने बोला था ये कैंसर है, लेकिन वो सही नहीं हुआ और बार बार जो है ना वो ख़राब होता रहा। तो फिर क्या कहते हैं उसे, मैंने ईदी सेंटर वालों को दे दिया था। उसके बाद मेरा इतना दिल दुखा, फिर जब भी मैं किसी कैट को देखती थी तो मैं ले लेती थी और इसका इलाज करवा के अपने पास ही रखती थी। ऐसा हो सकता है लाइफ में कभी शादी हो तो बिल्लियों का इशू हो कि बिल्लियाँ ना रख सके, लेकिन मैं कभी भी अपनी लाइफ के एंड तक बिल्लियाँ निकालना नहीं चाहूँगी। जी हाँ, मेरी ये मैं चाहती तो यही हूँ कि ऐसा ससुराल मिले कि जिनके दिल में जानवर, तमाम जानवरों से दिल से लगाव हो।